हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति भाग 12 प्रश्नावली 1.4 के सवाल आज आपको हल करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली के सवाल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने साथियों से कॉन्टेक्ट करके भी पता करें कि जो भी वीडियो नहीं देख रहे हैं उन्हें भी वीडियो देखने के लिए कहें। आप जितना अधिक वीडियो देखेंगे उतना ही अधिक आप गणित के सवालों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आज प्रश्न 1.4 का सवाल नंबर पहला हम सीखेंगे। आपकी पुस्तक में लिखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखो मैं सवाल लिख देता हूं, उत्तरोत्तर आवर्धन करके, आवर्धन यानी बड़ा, आवर्धन करके संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यह हमारा पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। बेटा हमें एक एक करके इन संख्याओं को बारी बारी से एक एक अंक लेके अपन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है या दिखाना है। देखो बच्चों, ये 3.7 है, तुम सबसे पहले संख्या रेखा पर 3.7 देखेंगे, ये एक अंक आ गया। फिर हम दूसरा अंक शामिल करेंगे, दूसरी बार में हम 3.76 को संख्या रेखा पर देखेंगे, फिर तीसरी बार में हम 3.765 इसको देखेंगे। बच्चों 3.7 का मतलब है यहां कितनी भी संख्या भर सकते हो, ये 3.7 ही माना जाता है। क्योंकि यह दो अंक है तो हम इसको बोल सकते हैं 3.70 भी बोल सकते हैं, आई समझ में। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा पर 3.7 को देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, हमने एक संख्या रेखा खींच दी बच्चों, अच्छी तरह समझना, ये हमने एक संख्या रेखा खींच दी। अभी 3.7 है बच्चों, इधर वाला पूर्णांक हमारे पास कितना है, 3, तो 3 के बाद में अगला पूर्णांक कौन सा आता है, 4, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 3.7 ये पूर्णांक 3 और 4 के बीच में होगा। 3.7 हमारा ये पूर्णांक 3 और 4 के बीच में होगा। तो देखो बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं 3 और यहां मैं लिख रहा हूं 4, राइट। अब हम इसके 10 भाग करेंगे बेटा, इस संख्या रेखा के हम 10 भाग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1, 2, 3, यहां से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। देखो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ओके। अब इसको हम बोल सकते हैं 3.0 और इसको हम बोल सकते हैं बच्चों 4.0। अब ये पॉइंटों में चालू हो जाएंगे, ये 1
तो हो जाएगा 3.1 3.1 राइट। इसको हम लिखेंगे 3.2, फिर इसको लिखेंगे हम 3.3, इसको लिखेंगे हम 3.4 और इसको लिखेंगे 3.5, इसको लिखेंगे 3.6 और इसको लिखेंगे 3.7। ये 8 3.5 हो जाएगा, ये 3.9 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना था, 3.7। देखो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 और ये हमने देख लिया संख्या रेखा पर 3.7 राइट। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा पर क्या देखा, 3.7 देखा। अब हम दूसरा अंक शामिल करेंगे तो ये बन जाएगा 3.76। बेटा इसको देखने के लिए अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 3.7 है इसकी शुरुआत करेंगे हम। देखना बच्चों बड़ा ही सरल है, ये दो नंबर का सवाल आता है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम 3.7 ओके। अब 3.7 के बाद में हम यहां लिखेंगे 3.8, 7 के बाद 8 आता है। अब हम यहां शून्य भर देंगे तो ये 70 बन जाएगा, ये 80, 3.7 शून्य 3.8 शून्य। अब फिर हम जिस प्रकार इसके 10 भाग किए थे उसी प्रकार इसके भी 10 भाग करेंगे। देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां भाग हो गया राइट। अब हम गिनती करेंगे, देखो ये 3.7 है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे 3.71, हमें लाना 7 6 10 तो यहां लिखेंगे 3.72 राइट। और यहां क्या जाएगा 7 के बाद में, हां 7 3 3.73 और यहां जाएगा 3.74 और इसका आगे आ जाएगा 3.75 और यहां पे आ जाएगा 3.76 ये आ गया। तो हमने इसकी सेकंड स्टेप कर ली, पहले हमने 3.7 को संख्या रेखा पर देखा, अब हमने 3.76 इसको भी संख्या रेखा पर देख लिया। अपना सवाल यहां तक हो गया बच्चों राइट। अब हम तीसरी और अंतिम स्टेप में इस 3.7 6 5 को संख्या रेखा पर देखेंगे। इसी प्रकार फिर हम संख्या रेखा खींचेंगे बेटा, ये हमने एक संख्या रेखा खींच दी राइट। हमने इस सेकंड स्टेप में संख्या रेखा पर क्या देखा, 3.76 तो यहां लिखेंगे 3.76। अब 6 तरह ये और 6 तरह का अगला पूर्णांक कौन सा आता है, 77 तो यहां लिखेंगे हम 3.77 राइट। अब हम यहां 0 भर देंगे और यहां भी क्या भर देंगे, 0 तो ये 760 और ये 770 हो गया। अब हम इसके भी 10 भाग करेंगे बच्चों, ये 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो 3.7 6 0 मतलब 760 तो यहां 0 की जगह क्या जाएगा, 1 तो देखो यहां लिखेंगे 3.761 राइट। अगला क्या आएगा, ये एक जगह दो लिख देंगे हम 3.762 इसी बात में क्या जाएगा, अगला 3.763 क्रम से आएगा ये। अब 3 के बाद क्या रह जाएगा तो देखना 3.764
और चार के बाद अगला पूर्णांक कौन सा था? पांच। तीन दशमलव सात छ पांच, और हमें यही देखना था बच्चों, तीन दशमलव सात छ पांच ये हमने देख लिया संख्या रेखा पर, और ये हमारा क्या बच्चों इसका आंसर, राइट। तो दोबारा समझो, सबसे पहले हमने क्या देखा, तीन दशमलव सात, फिर दूसरी बार हमने क्या देखा, यहां से लेके यहां तक तीन दशमलव सात छह देखा ये, तीसरी बार में हमने क्या देखा, तीन दशमलव सात छह पांच देखा। तो यहां पे एक दो तीन अंक है, तो हमारा सवाल तीन लाइन में हो गया, तीन पंक्ति में हो गया या तीन स्टेप में हो गया। आपको अच्छी तरह बेटा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर किसी संख्या को देखना आया होगा। अब देखेंगे अपन अगला सवाल। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्नावली का अगला सवाल, सवाल नंबर दो, केवल संख्या चेंज हुई है बाकी वही है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 की पुनरावृत्ति, किसका चिन्ह है, पुनरावृत्ति का, ये वापस आएंगे। तो 4.26 की बार को देखिए, अब हम संख्या रेखा पर 4.26 को प्रदर्शित करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारी संख्या क्या है, दी गई संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, 4.26 की बार, राइट। अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसा भी, 4.26 ये अंक 2-6 की पुनरावृत्ति होगी, वापस देखेंगे 2-6, फिर यह लिख सकते हैं 2-6, फिर यह 2-6, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, फिर दो बार लिखेंगे 2-6 2-6 को कितने बार लिखेंगे, दो बार, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहां लगा देना एक डॉट, यानी ये आगे तक चलता रहेगा। तो हम संख्या रेखा पर यहां तक प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, जिस प्रकार अभी हमने इसका पहले वाला सवाल आपको बताया था। देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहां से लेके 4.2 है, हम प्रदर्शित करेंगे 4.2 को, राइट। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये हमने एक संख्या रेखा बना दी। अब देखो 4.2 में ये पूर्णांक कितना है, 4, तो इधर लिखेंगे हम 4, और 4 से अगला पूर्णांक गिनती में कौन सा आता है बच्चों, हाँ 5 आता है, राइट। तो ये 4 हम यहां लिखेंगे और 5 को हम यहां लिखेंगे। अब यहां पॉइंट को लगा के 0 भर देंगे, और यहां भी पॉइंट लगा के हम 0 भर देंगे, राइट। अब हम इसका 10 भाग करेंगे बच्चों, वही तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां भाग, राइट। ये 1 ये 2 3 ये 4 5 ये 6 7 ये 8 9 और ये पूरा 10। सबसे पहले 4.0 सुनने के बाद ये कौन सा आएगा, 4.1, राइट। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 4.2, ये 4.2 हमने यहां पे प्रदर्शित कर दिया, इसको मैंने संख्या रेखा पर देख लिया, ठीक है। हमारा सवाल यहां तक हल हो गया, अब हम यहां तक हल करेंगे 4.26। देखो ध्यान से, 4.26 तो वापस संख्या रेखा बनाएंगे हम, ये हमने एक संख्या रेखा बना दी। अब जहां पे हमने पहला देखा था 4.2 को, उसको अगली संख्या रेखा में शुरुआत में लिखेंगे 4.2, अब 2 के बाद 3 आता है, तो यहां लिखेंगे 4.3, राइट। यदि 4 होता 4.4 तो यहां क्या लिखते, 4.5 अगला पूर्णांक। अब देखो यहां पे ये यहां 0 भर दी हमने, और यहां भी हमने 0 भर दी, इस 0 भर देंगे, इसके लिए हम 10 बार करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ और ये दस, राइट। अभी बीस है, बीस से हमारी गिनती चालू हो जाएगी, ये चार दशमलव चलता रहेगा, ये बीस दशमलव के बाद ही गिनती चालू हो जाएगी। बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये पूरा तीस। तो बीस के बाद हम यहां क्या लिखेंगे, पहले पहले हम लिखेंगे चार दशमलव दो एक, राइट। अब यह लिखेंगे चार दशमलव दो दो और यहां हम लिख देंगे चार दशमलव दो तीन और यहां लिखेंगे हम चार दशमलव दो चार। हमें क्या दिखाना है बच्चों, चार दशमलव दो छह को दिखाना है, दो चार तक आ गई, चार दशमलव दो पांच और ये चार दशमलव दो छह, ये आ गई चार दशमलव दो छह, हमने यहां तक दिखा दिया। अब इसको हम ये गोले में बंद कर लेंगे, ये हमने दे दिया संख्या रेखा पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक करेंगे, हमारा सवाल यहां तक हो गया, अब हम यहां तक करेंगे, यहां तक दो छह दो तक। तो वापस हम संख्या रेखा बनाएंगे, बच्चों देखना ध्यान से, ये हमने बना दी संख्या रेखा, राइट। इससे पहले वाली संख्या रेखा पर हमने जो दिखाया वहीं से तो शुरुआत करेंगे। तो देखो चार दशमलव दो छह, चार दशमलव दो छह, अब देखो चार तो चलता रहेगा, ये दो छह छब्बीस है, छब्बीस के बाद सत्ताईस, तो यहां लिखेंगे चार दशमलव दो सात, राइट। यहां पर देंगे हम जीरो और यहां भी भर देंगे जीरो, तो 260 270 हो गया। अब हम इसके भी कितने भाग करेंगे बच्चों, 10 भाग करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये पूरे 10। 60 के बाद इकसठ, देखो 261 262 263 264 265 266 267 268 269 और 270। हमें कहां तक देख रहे हैं, अस्सी रेखे दो छह दो तक, चार दशमलव दो छह दो, हमें यही तो देखना बच्चों। तो देखो यहां लिखेंगे 260 के बाद क्या लिखेंगे, चार दशमलव दो छह एक, राइट। अब हम यहां लिखेंगे चार दशमलव दो छह दो और हमें यही दिखाना था चार दशमलव दो छह दो को, ये तो यहीं पे हमारा सवाल हो गया। अब हम इस पूरी संख्या को दिखाएंगे यहां से लेके यहां तक, चार दशमलव दो छह दो छह को, तो वापस हम संख्या रेखा बनाएंगे, ये हमारी संख्या रेखा बन गई, राइट। तो देखिए बच्चों अब हम लिखेंगे यहां पे चार दशमलव दो छह दो छह, चार दशमलव दो छह दो छह, राइट। तो हम यहां लिखेंगे चार दशमलव दो छह दो छह, अब देखो यहां से दो छह दो छह ने लिख दिया, यानी 2626। हम यहां भी जीरो भर देंगे, देखो यहां से 26 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा आता है, 27, तो यहां भर देंगे चार दशमलव दो छ दो सात, ये 626 और ये क्या बन जाएगा 627, तो यहां हमने जीरो भर दिया और यहां भी हमने जीरो भर दिया। अब इसके हम वापस 10 भाग करेंगे, देखो बच्चों एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और ये 9। अब हम ये 260 है तो अब यहां इसको पूर्णांक को बढ़ाते रहेंगे, जीरो के बाद एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये पूरा 10।
तो देखो ये 26 और 260 बोलते हैं 2 6 2 6 0, तो कैसे लिखेंगे पे 4.2626 और ये क्या लिखेंगे 1। हम जीरो की जगह क्या लिख दिए 1। अब 1 के बाद 2 आ जाएगा, बाकी संख्या वैसी की वैसी 4.2626 और क्या लिख देंगे 2। फिर यहां 4.2626 और क्या लिख देंगे 3। 3 के बाद अगला आ जाएगा 4, 4.2626 और ये 4, हमें दिखाना 6। तो देखो अगला कौन सा आ जाएगा हमारे पास में 5, 4.2626 और ये 5। फिर लिखेंगे 4.2626 और 2 6। ध्यान से समझना, ये हमारे पास हमने यहां 2 6 2 तक देखा, यहां बड़ा थोड़ी सी गलती हुई, हम यहां 0 भर देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। और यहां भी क्या भर देंगे अपन 2 6 2 के बाद में 3 भरेंगे, यहां 3 भर देंगे बेटा। अब ध्यान देना, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 6 2 0 था ना, तो यहां आ जाएगा 1, राइट। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास ये 22 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 23 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 24 और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में 25 और यहां पे आ गया 26। तो देखो आपस से 4.262 को हमने दिखाया, तो 4.262 यहां लिखा, 262 के बाद क्या आएगा 263, ठीक है, हमने 0 भर दिया। अब इधर कोई 20 है तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। आगे अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपन को क्या दिखाना है संख्या रेखा पर 4.2626, तो हमने ये दिखा दिया यहां से लेके यहां तक। अब आप ध्यान देना, हमारी संख्या यही थी 4.2626 और हमें संख्या रेखा पर दिखा दिया, ये आगे तक चलती रहती। तो बेटा ये 2 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है, बड़े ही अच्छी तरह से आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे।